राज्य मंत्री करण देव कंबोज ने अपने इंद्री स्थित कार्यालय में हलके के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री करण देव कंबोज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली को डुबोने की साजिश के लगाए आरोपों पर बोलते हुए कहा कि केजरीवाल को ऐसे सम्मानित पद पर बैठकर ऐसी बेबुनियादे बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को डैम और बैराज में फर्क भी नहीं मालूम, वैसे वो अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बताते हैं। देखिए, जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, वो एक अधिकारी रहे हैं, IRS रहे हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन उनको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि डैम और बैराज में क्या अंतर होता है। अतनी कुंड में जो है वो बैराज है और वहाँ से कई नहरें निकलती हैं, जमुना भी वहीं से निकलती है, और बैराज में एक नियम बना हुआ है कि जैसे ही 1,00,000 क्यूसिक पानी आएगा, 1,00,000 क्यूसिक से अगर ऊपर पानी आएगा तो नहरों को तुरंत बंद कर दिया जाता है, क्योंकि 1,00,000 क्यूसिक पानी का बहाव इतना तेज होता है, उसमें बड़ी बड़ी शिलाएँ, पत्थर और काफ़ी मात्रा में सिल्ट बह करके आते हैं, जो नदियों में जा करके, नहरों में जा करके नहरों को मुँह के मोड़ने का काम करके उनको जो है ना रुकावट करने का काम करती हैं, उसमें बड़ा नुकसान नहरों को होता है। इसलिए जो है ना ये नियम बहुत दिन से पहले, ये नहीं कि सरकारों के से भी पहले नियम, इनकी सरकार के समय के नियम बने हुए हैं। हम आज पूरा जोगी समाज के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, आज हम माननीय मंत्री, हमारे अध्यक्ष OBC मोर्चा के माननीय करणदेव जी का धन्यवाद करने के लिए आया है जोगी समाज, क्योंकि जोगी समाज को आदरणीय मंत्री जी ने एक सम्मान दिया है और हमारी राजनीति में एक हिस्सेदारी दी है, और आगे भविष्य में हमें मंत्री जी से और भाजपा सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि जो हमारा समाज है इसको आगे उठाएंगे। इंद्री से मैं पाल कश्यप की रिपोर्ट, युगमाली TV।